किया था बट मैं क्लियर नहीं कर पाई। फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों क्लियर नहीं कर पाई, तो मुझे लगा कि मेरा स्पीड वहाँ जाकर स्लो हो गया था। घर पे मैं अच्छा परफॉर्म करती थी, 80 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करती थी तो मेरा 198 ये सब आ जाता था, बट वहाँ जाकर मेरा जो फर्स्ट राउंड था वो एक घंटे में, मतलब डेढ़ घंटे में कंप्लीट हुआ। बस आधे घंटे बचे थे मुझे दोबारा से पेपर को देखने के लिए, तो मैं थोड़ा पैनिक फील होने लगा। उसके बाद मैं बस 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई, जिसके बाद से मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा। फिर मैं किसी कोचिंग से मैच किया तो 33 सही हो रहा था, बट वो नहीं हो पाया। तो फिर ये है कि मैं वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाई अच्छा, तो फिर उसको कैसे मैं अगले अटेम्प्ट में सुधार सकती हूँ। कितने मॉक पेपर्स आप लगाए थे? तो मॉक पेपर्स मेरे 25 ही लगाए थे मैंने। जनरली अगर आपका पहला अटेम्प्ट होता है तो आप मॉक पेपर्स ज़्यादा लगाएं। जैसे मैं तो ज़्यादा लगाया था, मैं अपने पहले 2019 का जब मेरा सीरियस अटेम्प्ट था, मैं 70-75 मॉक पेपर्स लगाए थे। और दो चीज़ कर सकते हैं, चूँकि पेपर जो होता है प्रीलिम्स का, आपकी मॉक पेपर से थोड़ा ज़्यादा लेंदी होगा, है ना। और दूसरा कि एग्ज़ाम प्रेशर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पहला इटरेशन करने में, पहला बार जब आप सारा क्वेश्चन करते हैं। और जनरली पहले बार में आपको 35-40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता है विथ 100% कन्फर्मेटी। सो आप दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं। तो इसमें मैं क्या करता था कि मैं कोशिश करता था कि जब मैं घर पे बैठ के दे रहा हूँ तो मेरा पहला इटरेशन एक घंटे में ख़त्म हो, एक घंटे 5 मिनट 10 मिनट बहुत ज़्यादा। तो फाइनल एग्जामिनेशन में 1 घंटे 20 मिनट में ख़त्म हुआ था 2019 में, लेकिन 2020 के पेपर में मेरे डेढ़ घंटे में ख़त्म हुआ था, 1 घंटा 25 मिनट में ख़त्म हुआ था पहला इटरेशन। तो उस टाइम याद रखिए कि चूँकि आप सारा क्वेश्चन एक बार पढ़ चुके हैं, टाइम कम है, 35 मिनट है, उसके बाद भी वो भी सफिशियंट होगा अगर उसी टाइम को आप अच्छे से वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। अगर आप नर्वस नहीं होते, अगर आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते, तो आप सेकंड इटरेशन बहुत जल्दी ख़त्म करते। तो मैं 1 घंटे 25 मिनट में ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन किया था, और 35 से 40, फिर 20 ऐसे क्वेश्चन थे जो 70 से 80% मैं ऑलमोस्ट श्योर था। फिर सेकंड राउंड में मैं 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट किया, फिर लास्ट के 10 मिनट में मैं 25 से 30 क्वेश्चन किया था। ये पॉसिबल इसलिए हो पाया कि मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। और अगर आप पर क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन को 20 सेकंड मिला था मुझे, अगर मैं 10 मिनट में 30 क्वेश्चन कर रहा हूँ। और मैं अगर दो बार उस क्वेश्चन को देख चुका हूँ, फिर से मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ, तो वो 20 सेकंड सफिशिएंट हो जाता है। सो आप प्रैक्टिस अच्छे से करें। सो इसके लिए मॉक पेपर्स में क्या करता था, कभी कभी मॉक पेपर्स को मैं 1 घंटे 50 मिनट में देता था, और उसको अच्छे से एनालाइज करता था, पूरा प्रैक्टिस करता था, और फाइनल एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करता था। तो इसी से आपका जो है वो जो दिक्कत हुई एग्जाम में वो नहीं होगी, आप 80 से 80+ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। सर सुगम सर से मेरा एक प्रश्न है। ठीक है सर, दो शब्द आते हैं, एक रटना और एक समझना, और UPSC के सापेक्ष यह कहाँ तक सही है और कौन सा सही है? आपका जो प्रीलिम्स होता है वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपको रटना भी पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है, जो स्टैटिक पोर्शन है आपको याद करना पड़ता है। लेकिन जो मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको समझना भी पड़ता है। समझना क्यों? बहुत बड़ा ऐसा होता है जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका अप्रोच पूछता है, और जब आप खुद का अप्रोच लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलता है। तो मेंस में, GS के पेपर में, और इवन ऑप्शनल के पेपर में मैं खुद का एनालिसिस ज़्यादा लिखता था, और जो रटने वाला चीज़ है जैसे कुछ फैक्ट्स फिगर्स हैं वो रटता भी था, ताकि उसको मैं आंसर्स में डालूं और अच्छा बनाऊं। जैसे रटना मतलब क्या समझते हैं, अगर आपको लिटरेसी रेट पता होना चाहिए तो ये भी तो एक फिगर है, आपको याद रखना चाहिए। तो दोनों का कम्बिनेशन ज़रूरी है, और मेंस में खास करके आपको समझ करके हर एक टॉपिक के बारे में लिखना होता है। थैंक यू। आगे से क्वेश्चन लेते हैं, माइक आगे है ना। हेलो सर, व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस आफ्टर आवर फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, बट दे दे सर, बट व्हेनेवर वी सॉल्व
got the question, it's like we score very low marks and that leads to demotivation, like whatever we are following, the strategy or the way we are reading or whatever we are covering is sufficient, or should I be improving with that, or anything like that related to that, that leads to demotivating. So how should I be putting my efforts in motivating myself and getting up? It will happen that you will score low marks sometimes in prelims or mains. Or is bar jab when I attempted prelims mock papers in 2020, 2020 mein jab main ek mock paper lagaya to mujhe 54 marks aaye the. But you know the cut off kitna jata hai, wo 90-100 ke kareeb jata hai. Aur ye mere prelims se 15 din ya 20 din pehle mujhe aise marks aaye the ek mock papers mein. Aur mere mock, aur ye main share bhi kiya hu, bahut jagah main bataya bhi. और मेरे मॉक पेपर के जो एवरेज स्कोर होते थे वो 70, 75, 80 तक होता था, उससे ज़्यादा नहीं. और मेंस में भी यही होता था कि मैंने विजन आयस के टेस्ट सीरीज लगाया, उसमें मुझे 320 मार्क्स 2019 में आया था, लेकिन अब फाइनल एग्जामिनेशन हुआ तो 428 मार्क्स आया. सो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. आपको मॉक पेपर से अलग चीज़ें सीखनी है. आपको सीखना है कि आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसको एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट को सिमुलेट करना है. 2020 में मैंने कोई मॉक मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया टेस्ट के लिए भी. मैं मार्केट से खरीदता था, रूम पर बैठ करके देता था, और बहुत बार तो खुद से ही एनालाइज कर लेता था. सो वो एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी है. आप मार्क्स की चिंता ना करें, आप अपना पेपर्स को जो टॉपर्स के पेपर्स है उससे कंपैरिजन करें. आप अपने पीयर ग्रुप जो आपके दोस्त को लिख रहे हैं तो उनसे कंपैरिजन करें, खुद एनालाइज करें, है ना. मार्क्स की चिंता ना करें, क्योंकि बहुत बार तो जो सेलेक्टेड नहीं है मतलब मैक्सिमम तो वही चेक करते हैं. सो मार्क्स की चिंता ना करें और ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें, है ना. हेलो, थोड़ा शांति के साथ आप लोग सुने. जैसे कि अगर जवाब दिया जा रहा है उसी में अगर आप लोग पूछेंगे कि यहाँ माइक लाओ तो फिर कैसे सुनोगे यार. हाँ खड़े हो, मैं भी देख रहा हूँ यार, तुम प्रयास कर रहे हो, थोड़ा सा धैर्य रखो. हाँ माइक अभी किसके पास है? हेलो, माइक आप ऐसा उधर है. ठीक है आपके अपने पीछे दे दो. हेलो सर, अच्छा ठीक है एक सेकंड आप पूछ लीजिए और पूछकर माइक जो है पास ऑन कर दीजिएगा. ओके थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया. माय क्वेश्चन इज आई एक्चुअली टेक माय प्रीलिम्स दिस ईयर. आई यूज्ड टू स्कोर गुड इन माय मॉक पेपर्स. आई ऑलरेडी टुक 75-80 मॉक पेपर्स एंड आई यूज्ड टू स्कोर 120, 130 and 150+7 मार्क्स. But what I did in my exam was I tried to be very calm, but somehow in the exam anxiety took me over and the simplest question I did were wrong. The toughest question I did were right, but the simplest were wrong. So ultimately at the end of the day I realized that I prepared at my home and I did not take any offline test series or whatever. So I thought that giving offline exams and going to Delhi would benefit me, but after hearing you guys I went to was whether taking offline mocks will benefit me or I can improve on my own and I can gain my confidence back. See, I have mentioned that in my this attempt I did not attend any offline any coaching institute mock. I just used to download the papers and then used to write in my room, है ना. तो आप रूम पे बैठ के भी लिख सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं कि आप जाके वहाँ ज्वाइन करें. और प्रीलिम्स में तो खास करके मैं ज्वाइन नहीं किया गया, है ना. और जैसे कि मार्क्स वगैरह का, समटाइम्स इट विल हैपन दैट यू माइट बी स्कोरिंग वेरी वेल इन योर मॉक पेपर. बहुत बार ऐसा होगा कि मॉक पेपर्स में बहुत अच्छा करेंगे, फाइनल एग्जामिनेशन नहीं सिलेक्शन हो जाता है. जनरली इसका रीज़न जो आपने बोला कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो अगर आप गलत कर देते हैं उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है. 100 क्वेश्चन में से 50-60 क्वेश्चन जो है वो आपके रेंज में रहता है, वो अगर आप अच्छे से कर लें तो उसी से सिलेक्शन हो जाएगा. सो सम वो बैड लक मतलब आप समझ सकते हैं कि या एग्ज़ाम का प्रेशर. आप अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, है ना. उससे आप बॉकडाउन नहीं होते कि एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ. काफ़ी सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट में जाके प्रीलिम्स होता है और एक बार में आईएएस बन जाते हैं, तो ऐसे भी होते हैं. तो आप प्रिपरेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका प्रिपरेशन लेवल किस लेवल का है, आपने अच्छे से मेहनत किया है कि नहीं किया है, तो उस पर आप फोकस रखें. और अपने घर पर बैठ के भी आप टेस्ट लगा सकते हैं. ओके थैंक यू.